ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مُهدثاتها وكل مُهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موز آخر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت हाज़िर ने जुमा हर किस्म की बड़ाई किबरियाई सना सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्लम के लिए सजावार है हजरत हमने अजान सुना उसमें दिल के अंदर गरमाने वाले जो अल्फाज थे अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है ये जुमला जो है ये अज़ान जो है मेरे भाइयों इस बात की गवाही है कि मखलूक जितनी भी हैं सब के सब इस कलमे के, के सुनने के बाद थरथराने लगती हैं कांपने लगती हैं क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह इतना ताकतवर इतना दमदार है कि इसके मर्ज़ को इसकी अहमियत को इंसानों ने नहीं समझा जितना दूसरी मखलूकत ने समझा है मेरे भाई अशहद्लाह व अशहद मोहम्मद और रसूल ये दोनों कलमे ऐसे कलमे हैं ऐसे जुमले हैं कोई लम्हा कोई सेकंड ऐसा नहीं है जो दुनिया में पाए जाने वाली मखलूक सुनती ना हो कोई सेकंड ऐसा नहीं है मेरे भाइयों इन जुमलों से इस अजान के अल्फाजों से अल्लाह की किबरियाई को समझिए कि अल्लाह की किबरियाई क्या है अल्लाह की पोजिशन और ताकत और कुदरत क्या है मेरे भाइयों वलकद आसना फिकुल उम्मन अने तागूत यह आयत मैंने तिलावत की अल्लाह फरमाते हैं हमने हर उम्मत में रसूल भेजे किस लिए किस लिए भेजे ये बाबर कराएं ये लोगों को आसना कराएं लोगों को समझाएं कायनात में अगर कोई जात है पूजे जाने के लायक परस्तिश के लायक इबादत के लायक बंदगी के लायक तो वो है सिर्फ अल्लाह की जात ला इल्लल्लाह Allah के सिवा कोई माबूद नहीं मेरे भाइयों, हम और कुर्सी पढ़ते हैं अल्लाह क्यूम लाता खजूस तकरीबन जो दीन से मोहब्बत रखते हैं उनके घर में तकरीबन सभी बच्चों को औरतों को कुर्सी याद हो है और कराई जाती है जिन्हें दीन से सगफ है मोहब्बत है लगाव है इस कुर्सी में आप देखिए अल्लाहअल ला क्यूम लाता खजू सिन्न तम लहु वल समावात इसमें सिफत देखिए खूबियां देखिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं कयूम है जिंदा है मेरे भाइयों दुनिया को आबाद होने में एक लंबा अरसा हो चुका जितने भी मखलूक हैं आई कायन के वजूद पाने के बाद सब फना हो सब फना हो गई लेकिन अल्लाह की जात अल क्यूम है जिंदा है और कायम रहने वाला खुद कायम है और पूरी दुनिया को कायम रखा है मेरे भाइयों हम जमीन में रह रहे हैं अगर अल्लाह जमीन को कायम ना रखे पहाड़ों को कायम ना रखे उनको सिबात कदमी ना दे तो हम जो जलजलों का सुनते हैं ना रोज जलजले आए अगर अल्लाह जमीन को कायम ना रखे खूबी देखो अल्लाह की लहू माफी समावाते उसी के लिए आसमान और जमीन है मेरे भाइयों आसमान और जमीन जिस जमीन में हम रह रहे हैं कोई भी शख्स ने पूरी जमीन का एहाता नहीं कर पाया शेर नहीं कर पाई नहीं देख पाया और उसमें तरह तरह की पाए जाने वाली मखलूक का हमने मुशाह नहीं कर पाए हम आजिज़ हैं हम बेबस हैं मजबूर हैं ये ज़मीन जिसको हम बहुत बड़ी समझते हैं उससे कहीं बड़ा आसमान है जमीन से कहीं बड़ा वसात के एतबार से आसमान है किसने बनाया अल्लाह ने बनाया और आसमान जो सात आसमान हैं उनके ऊपर कुर्सी है और आसमान की हैसियत कुर्सी के मुकाबले में महकिन लिखते हैं कि एक अंगूठी या सात दरहमों के बराबर है आसमान की हैसियत कुर्सी के मुकाबले में मामूली है अंगूठी के बराबर है। और कुर्सी की हैसियत अर्श के मुकाबले में एक दायरे की तरह एक सिक्के की तरह है उस अर्श पर अल्लाह मुस्तवी है सबसे बुलंदी पर है वो अल्लाह है और पूरी दुनिया को वो मोहित किया हुआ है मोहित किए हुआ है उसका इल्म एक एक जर्रे को अपने निगाह के सामने रखे हुए उस उसकी निगाह से उसके इल्म से एक जर्रे एक चूटी क्या कर रही है पोसीदा नहीं है यह है अल्लाह यह है अल्लाह की अजमत मेरे भाइयों ला इलाहा इल्लल्लाह हजरत मूसा Allah से मुखातब होते हैं अल्लाह मुझे ऐसे कलमात ऐसी चीज याद करा दे जिसको मैं जिक्र करूं जिसको मैं याद करूं और उसके जरिए तुझे दुआएं करूं तुझसे दुआ मांगूं मुझे ऐसी चीज़ ऐसे कलमात सिखा दे कि जिसके जरिए मैं तुझसे दुआ मांगता रहूं अल्लाह ने कहा है, ए मूसा इल्लल्लाह इला का मूसा ने क्या कहा है, अल्लाह इलाहा तेरे तो सारे बंदे अदा करते सारे बंदे पढ़ते हैं कोई ऐसी बात बता जो दूसरे बंदे ना पढ़ते हो उस चीज तक दूसरे बंदों की रसाई ना हो अल्लाह ने कहा है ए मूसा लाला का मुकाम मर्तबा इतना ऊंचा है कि सातों आसमान और उनके दरमियान और सारी मखलूक जमीन और आसमान को एक तरफ रख दिया जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह को एक तरफ रख दिया जाए तो ला इल्लल्लाह का पल्ला जो होगा भारी होगा और सारी मा का पल्ला हल्का हो जाएगा मेरे भाइयों ला इल्लल्लाह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अल्लाह के रसूल वसल्लम से मुखातब होते हैं क्या अल्लाह के रसूल आपकी सिफात किन लोगों पर यानी आप किन लोगों पर सिफात करेंगे अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सिफात हर उस शख्स के लिए की जाएगी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह दिल की गहराई से इखलास के साथ पढ़ा होगा सिर्फ उसी के लिए मेरी सिफात कबूल की जाएगी मैं उसी के लिए सिफारिश कर सकता हूं जिसने ला, इला 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 ला को अपने दिल से अदा किया होगा और उसके मफहम को समझा होगा मेरे भाइयों आज हमारा गुमान क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत के दिन जब नफ्स नफसी का आलम होगा मेरी उम्मत के एक शख्स को बुलाया जाएगा और उसके सामने उसके आमाल नामे को फैला दिया जाएगा बेखेर दिया जाएगा उस निन्वे रजिस्टर उसके सामने बेखेर दिए जाएंगे और उससे अल्लाह मुखातब होगा क्या तुम्हें इन निनानवे रजिस्टरों पर तुम्हारे जो आमाल हैं किरदार हैं उन पर कोई शक है कोई कलाम है कोई एतराज है वो बंदा कहेगा मेरे रब मुझे कोई एतराज नहीं ये मेरे आमाल है मैंने ये किया है क्योंकि वहां झूठ नहीं बोल सकता वहां एतराज करेगा कि हाँ मैंने ये गलतियां की हैं ये मेरे गुनाह हैं जो उसके सामने जो दुनिया में जो उसके कारनामे थे वो उसके सामने फैला दिए जाएंगे वो थरथराएगा कहा क्या तुम्हारे पास कोई नेकी है कोई उज्र है जो तुमने कुछ किया है कहेगा अल्लाह मेरे पास कोई नेकी नहीं है अल्लाह कहेगा हमारे पास तुम्हारी एक नेकी है तुम पर जुल्म नहीं होगा मेरे भाइयों उसके सामने एक कार्ड लाया जाएगा जिसमें लिखा होगा ला इला वाशहद वल्ला मोहम्मद रसुल्ला उस कार्ड में लिखा होगा और उसके सामने जब पेश किया जाएगा तो वो कहेगा क्या अल्लाह ये निन्ना रजिस्टरों के सामने इस इस कार्ड की क्या हैसियत है और जब तराजू में नापा जाएगा तोला जाएगा तो लाईला जो उसने गवाही दी थी असहद वाला असहद मोहम्मद रसुल्ला मेरे भाईओ वो पल्ला जो है वो कार्ड वो निन्ना रजिस्टर के सामने भारी हो जाएगा और वो निजात पालेगा उस कहने की वजह से असहद्ला मोहम्मद रसुल्ला कहने की वजह से मेरे भाइयों अल्लाह उसको उस मुसीबत और उस परेशानी से निजात दिला देगा लेकिन शर्त यह है कि इल्लल्लाह खालिस होनी चाहिए क्योंकि उसने शिरक नहीं किया था वो मुशरक नहीं था वो तौहीद परस्त था इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी निजात के लिए उस उस कार्ड को पेश किया और वो कामयाब हो गया मेरे भाइयों ला लाला मोहम्मद रसुल्ला आज मैं समझता हूँ अस्सी पंचानबे फीसद पढ़ते हैं और हम इस गुमान में हैं कि हम हमारी निजात हो जाएगी मेरे भाइयों हौज़े कौसर के मंजर को सामने रखिए जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज कौसर सौंपा जाएगा और वो जाम पिलाएंगे लोग जाएंगे आप उन्हें पेश करेंगे फरिश्ते उन्हें हटा देंगे अल्लाह के रसूल कहेंगे तो मेरी उम्मत है जवाब दिया जाएगा आपको नहीं मालूम आपको नहीं पता इन्होंने आपके जाने के बाद नाफरमानी की इन्होंने आपकी मुखालफत की आपके बताए हुए तरीके पर नहीं चले ये सिर और बिदात में मुब्तला हो गए थे सो सोकर, सोकर ये नबी का जुमला लेकर नबी की जुबान से दूरी हो दूरी हो भगाओ इन्हें भगाओ इन्हें मेरे भाइयों अंदाजा लगाएं कि कितना मुश्किल मरहला होगा क्योंकि हम कायनात को अपनी आंखों से देख रहे हैं अल्लाह की नेमतें हम देख रहे हैं अल्लाह की नेमतों से फायदा उठा रहे हैं और हम बगावत कर रहे हैं हम खुली बगावत कर रहे हैं हम सूरज को निकलते हुए देख रहे हैं और डूबते हुए देख रहे हैं हमें मालूम है कि सूरज अपनी मर्जी से नहीं निकल सकता सूरज अपनी मर्जी से नहीं डूब सकता यह हमें मालूम है इसको निकालने और डुबाने वाली जात अल्लाह की है जो उसे निगाह रखी हुई है उसकी निगरानी कर रही है यह हमें मालूम है चांद को हम देख रहे हैं उसकी रोशनी से हम फायदा उठा रहे हैं सितारों की जगमगाहट हम देख रहे हैं उसके बावजूद हम रब की नाफरमानी कर रहे हैं मेरे भाइयों बेसुमार अंबिया को लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा अल्लाह ने ताकि मेरी उम्मत मेरे ये बंदे गुमराह ना हो जो भयानक जहन्नम तैयार की गई है उससे बच जाएं, पैगंबरों ने इंसानियत के खातिर कैसी कैसी मुसीबतें और तकलीफ नहीं उठाई सिर्फ इंसानियत की रहनुमाई के लिए सही रास्ते पर लाने के लिए आप नूह इस्लाम को देखिए साढ़े नौ सौ बरस समझा रहे हैं कौम कहती है नूह तू अपनी बकवास खत्म कर तू जो धमकी दे रहा है आजाब उतार ले हम तैयार हैं नू क्या कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है नबी की मजाक उड़ाई जा रही है और अजाब का मुतालबा किया जा रहा है नबी कहते है, ये मेरे बस की बात नहीं ये जब अल्लाह चाहेगा जब होगा मैं तो तुम्हारी हमदर्दी में तुम्हें तो जहन्नम से निजात दिलाने के लिए लगा हुआ हूँ कि तुम सुधर जाओ अल्लाह की तोहद को अपना लो जन्नत के हकदार बन जाओ और जहन्नम से अपने आप को बचा लो मेरे भाइयों, नूह असल्लाम उलुल अल आजम नबी और रसूल हैं नबी भी हैं रसूल भी हैं चाहने के बावजूद बेबी और बेटा मुसलमान नहीं हो सका आपकी दावत को कबूल नहीं कर सका और जब आजाब आया तो कश्ती पर बैठाना चाहा नहीं बैठा इनकार कर दिया अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ये मेरी अहल में से है मेरा बेटा गर्क हो रहा है उसे बचा ले अल्लाह ने कहा वो तेरे अहल में से नहीं है वो नाफरमान है अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा पाए अंदाज़ा लगाएं आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाम और मरतबा मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत इब्राहिम का है अपने बाप और कुंबे कबीले रिश्तेदारों पर आपने इतनी मेहनत की लेकिन बेसूद इतने बड़े पैगंबर होते हुए हिदायत नहीं दे पाए अल्लाह ने मोजात मुझे, से नवाजा मेरे भाइयों बेशुमार मोजात क्योंकि आपने अल्लाह के हर हुक्म को तस्लीम किया हर इम्तिहान में पास हुए लेकिन आपके चाहते हुए भी किसी को हिदायत नहीं मिली चाहते थे कि हिदायत मिल जाए बाप के लिए आखिर तक ये तड़प थी कि निजात मिल जाए हिदायत मिल जाए नहीं मिली मेरे भाइयों आग में डाले गए जायम बहुत बुलंद थे हौसला बहुत बुलंद था आग में जलना पसंद किया मेरे भाइयों हर कोई आग से घबरा जाता है लेकिन उन्हें मालूम था अल्लाह मेरी जरूर हिफाजत करेगा मुझे उन्हें उम्मीद थी कि आग मुझे नहीं जला सकती उन्हें यकीन था और नहीं जलाई मेरे भाइयों गौर कीजिए अगर फर्ज कीजिए कि हजरत इब्राहिम अल इस्लाम कौम से कहते ए कौम मुझसे गलती हो गई अब मुझे बचा लो तो क्या कौम आपको जलाने से बचा सकती थी गौर कीजिए मेरे भाइयों फर्ज महल अगर हजरत इब्राहिम पलट जाते मर्तद हो जाते और कहते कि आग से मुझे बचा लो जलाना तो बहुत आसान था मेरे भाइयों कोई भी जला सकता है बच्चा भी माचिस की तीली से कई आग लगा सकता है लेकिन बुझाना उसके बस की बात नहीं होती कई लोगों को मिलकर बुझाना पड़ता है मेरे भाई ये दुनिया का मामला है लेकिन वो आग को क्या बुझा सकते थे मेरे भाइयों इससे बड़ा और क्या है हमारे लिए वाह तभी रूलू लाल कल मंदो इबरत हासिल करो सबक हासिल करो कि हजरत इब्राहिम आग में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं आग में इतनी हर शख्स ने हिस्सा लिया था आग में जलाने का हर शख्स मेरे भाइयों लेकिन आग गोले गुलजार हो गई किसके हुक्म से हुई अल्लाह के हुक्म मेरे भाइयों हजरत मूसा मैंने उनका जिक्र किया हज़रत मूसा उल उजम पैगंबर हैं और उनकी वजह से फिरौन ने कितने बच्चों को जहा किया था सिर्फ उनके खातिर कुछ नजूमियों ने इशारा किया था कि बनु इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने होने वाला है जो तेरी हलाकत का सबब बनेगा तेरी बादशाह को छीनेगा जालिम ने कितने मासूम बच्चों को मूसा की वजह से तहतहेज कर दिया नेस तो नाबूद कर दिया जिबा कर दिया लेकिन मेरे भाइयों समझो कि मूसा को बचाया किसने तदबीर किसने बतलाई मूसा की मां को वो मूसा की मां के दिमाग में ये बात डाली किसने कि उसको संदूक में डाल दी और समुन्द्र में फेंक दे उसको हम तेरे तरफ वापिस लौट आएंगे घबरा मत मेरे भाइयों किसने कहा किसी वली ने कहा किसी बुजुर्ग ने कहा अल्लाह ने कहा कि मूसा की मां अपने इस बच्चे को संदूक में डाल के समुन्द्र में फेंक दे उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी मेरे भाई समुंदर में डालना दरिया में डालना कोई मामूली बात है कितना बड़ा जिगर होगा उस माँ का डाल दी कुछ ही दिन या घंटे के अंदर वो बच्चा फिर मूसा की माँ से चिमटता है कई बच्चे दूध कई माए दूध पिलाने आती हैं मूसा ने किसी को हाथ नहीं लगाया मेरे भाइयों सोचिए कि उस बच्चे की परवरिश बड़ी शान के साथ बड़ी शान शौकत के साथ फिरौन के महल में जो स, उसका पहले से कातिल बनने वाला था लेकिन नहीं बना महफिज बन गया मेरे भाइयों जो कातिल था कातिल होने वाला था वो महफिज बना दिया अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए खर्च भी दे रहा है यानी मूसा की माँ की जो उजरत है उसकी ज, उसकी जिम्मेदारी लिया अंदाजा लगाए मेरे भाइयों या अल्लाह की कुदरत देखो अल्लाह की ताकत देखिए मेरे भाइयों जवान होते हैं ताकत पैगंबर हैं एक को मार देते हैं गुस्से एक घुसा मारते हैं मर जाता है गलती हो जाती है इतराफ करते हैं कि गलती हो गई एक शख्स दौड़ते हुए आता है दूर से और कहता है मूसा शहर के सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं तू जल्दी से यहाँ से भाग जा मैं तेरा मुखलिस खैर खाह तेरे मैं तेरा क्या हूँ खैर खाह शहर के लोग शहर के सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं मूसा सलफ़ा पत्तू निकल जा मूसा अल्सम डरते हुए घबराते हुए निकल जाते हैं मेरे भाइयों देखिए कुरान के अंदर सूर कसस के अंदर बीस और चौबीस सा, शायद आयत सूर्य कसस के अंदर अल्लाह रब्बुल रब्लम ने एक लंबा किस्सा वाकिया वाक़ बयान किया है कि मूसा अल के पास एक दौड़ते हुए आता है खैर ख्वाह बनकर उसे मालूम पड़ता है कि मूसा के के कत्ल का मनसूबा बन रहा है मूसा को कत्ल किया जाएगा मूसा घबरा के निकल जाते हैं घबरा के डर के ये नहीं कहते अरे मैं तो ताकतवर हूं नौजवान हूं मैं तो एक घूसे में मैंने उसे मार दिया मुझे कौन मारेगा नबी होते हुए मेरे भाइयों निकल जाते हैं क्या कहते हैं रब नजनी कौमी रबनी मिनल कौमी जालिमीन अय मेरे रब मुझे जालिम कौम से निजात दे ये दुआ करते हैं रब बिन रबनी मिनल कौमी जालिमीन अये मेरे परवरदगार मुझे जालिम कौम से निजात दिला दे ऐसा दानी सवा सबील क्या कहते हैं मुझे उम्मीद है मुझे यकीन है कि मेरा रब सीधे रास्ते की रहनमाई करेगा किससे लो लगाते हैं किसको पुकारते हैं हाथ किसके सामने फैलाते हैं अल्लाह के सामने, सामने। सवा सही रास्ते की मुझे हिदायत अगर कोई देगा तो अल्लाह देगा ये जुमले लगा आपकी जुबान से निकलते हैं और मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको ऐसे कभी आपने मदियन नहीं देखा था अल्लाह ने रहनुमाई की रास्ते की आप निकल गए मदियन पहुंच जाते हैं एक जगह देखते हैं कि कुछ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दो औरतों को देखते हैं उनसे हम खदो कुमार तुम्हारा क्या मामला है तुम यहां क्यों खड़ी हो देखते हैं कि उनकी सराफत झलक रही है शरीफ लड़कियां है, औरते हैं औरतें हैं नौजवानों से दूर खड़ी हैं कहा कि क्या मामला है तुम्हारा कहा कि जब तक ये नौजवान न अपने जानवरों को ना पिला ले उनका बचा कोचा पानी हम पिलाएंगे क्योंकि हमारे वालिद इंतहाई बूढ़े हैं हमारे वालिद इंतहाई ज़ैफ हैं वो ये काम नहीं कर सकते मजबूरन हमें यह काम अंजाम देना पड़ रहा है आप गए वो नौजवानों के से पहले आपने उनको पिला दिया पानी ताकत थी अल्लाह ने ताकत दी थी जो चार पांच नौजवान मिलके वो पानी निकालते थे कुएं से अकेले ने तन्हा ने निकाल के पिला दिया वक्त से पहले बच्ची जब घर पहुंचती हैं तो वालिद मोहतरम पूछते हैं अ बच्चियों तुम वक्त से पहले क्यों आ गई कहा कि एक शरीफ आदमी आया एक मुसाफिर ने हमसे पूछा और हमें पिला दिया तारीफ की मेरे भाइयों जुमला क्या था इन रब्बी इला रब्बी खैरिन खैरिन मेरे भाइयों खैरिन फ़कीर मूसा क्या कहते हैं पिलाए पानी एक दरख्त की साय में बैठ गए कोई सहारा नहीं अजनबी है अल्लाह से क्या कहते हैं अल्लाह तू ही मेरे तरफ लेमाजल मिन खैरन फ़कीर तू ही मेरे तरफ कोई भलाई उतारे तू ही भलाई क्योंकि मैं मोहताज हूँ मैं फ़कीर हूँ कोई भलाई तेरी जानिब से मैं उम्मीद रखता हूँ कि तू मुझे कोई भलाई उतार दे भूखे हैं खैर के माने यहाँ पर कई माने हैं भलाई यानी गिजा के खाने के इंतजाम के यानी तू मेरे खाने का इंतजाम कर दे तू ही करने वाला है क्यों कि मैं यहाँ फकीर हूँ मोहताज हूँ तेरे अलावा कोई मेरी मोहताजी को दूर नहीं कर सकता ये मूसास्लाम अपनी जुबान से अल्फाज अल्लाह से भीख मांग रहे हैं मेरे भाइयों कुछ ही देर के बाद दो लड़कियों में से दो औरतों में से एक आती है और कहती है मेरे वालिद ने आपको बुलाया है आपकी मजदूरी देने दरख्त के नीचे आप अल्लाह से मांग रहे हैं दुआ कर रहे हैं कि मैं मोहताज हूं मेरे खाने का इंतजाम करते हैं अल्लाह अभी वक्फा नहीं गुजरा अभी आ। बच्ची आ गई और कहा कि मेरे वालिद ने आपको बुलाया है मेरे वालिद आपको मजदूरी देना चाहते हैं हज़रत मूसा ने इनकार नहीं किया ये तो सिला रहमी थी मैंने तो आपके काम आया चले गए क्योंकि उन्हें जरूरत थी सहारे की जरूरत थी उन्हें सहारे की जरूरत थी अल्लाह से दुआ मांगी थी तो कोई सबील निकाल दे कोई रास्ता निकाल दे मैं अजनबी हूँ कोई मुझे पहचानता नहीं है हज़रत शोबा ने क्या मालूम किया शोब हैं मेरे भाइयों क्या कहा था अल्लाह असा रब्बी सवाई सबील मुझे रास्ते की रहनुमाई अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता अल्लाह ने किया सही रास्ते पर पहुंचाया हजरत शोब्लाम को रुदात बताते का घबराओ मत अल्लाह ताला ने आपको झालिम कौम से निजात दे दी क्या कहा मैं चाहता हूं कि आपको मैं यहां मज़दूर रख लूं क्योंकि मशवरा भी दो लड़कियों में से एक ने दी थी कि अरे अब्बा जान ये बहुत ताकतवर नौजवान है ईमानदार है पाकबाज है उसको आप मजदूरी में रख लें बेहतर होगा हज़रत शोब ने उनके सामने ये डिमांड रखी कि, कि आप हमारे यहाँ मजदूरी पर रहिए और हम एक लड़की का नेक आपसे कर रहे हैं एक लड़की का नेक आपसे मैं कर देता हूं और उसका महर क्या होगा आठ साल तकरीबन आठ साल बकरियों को चलाना होगा मेरे भाइयों हज़रत मूसा को ज़रूरत थी अंदाज़ा लगाएं आप कि हज़रत मूसा कद्र लेकिन अल्लाह की आज़मत उनके दिल में कितनी ज्यादा थी अल्लाह का मुकाम हर पल पल में अल्लाह को अपना सहारा अपना दस्तगीर मान रहे हैं और अल्लाह ने जब जब आपने दुआ की रब नजनी मिन कौमी जालिमिन अल्लाह मुझे जालिम कौम से निजात दे अल्लाह ने दी दी क्या कहा मुझे ऐसे सही रास्ते की रहनुमाई कर अल्लाह ने सही रास्ते की रहनुमाई की अल्लाह में हूं मुझे कोई अच्छा ठिकाना ठिकाने की रहनुमाई की अल्लाह ने किया मेरे भाइयों देखिए, हम क्या कहते हैं या का नाबुद वैया का नस्ताइन, हम तेरी ही इबादत करते हैं हम दावा कर रहे हैं या का नाबुद वैया का नस्ताइन हम तेरी ही इबादत करते हैं व नस्ताइन, और हम तुझसे ही मदद तलब करते हैं मेरे भाइयों अगर हम सही मानों में इयाका का नाबुदू अया का का मतलब समझते तो हमारी हालत नहीं होती वन तुम्ल तुम मोमिन अल्लाह का वादा है कि तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो गए हम सरबुलंद हैं हम अपना जायजा लें मशाह करें कि क्या हम सही मानो में मेरे भाइयों पल पल पे लोग अल्लाह की नफरमानी कर रहे हैं और अल्लाह को सबसे ज्यादा अगर नफरत है तो सिर्क से असहद मोहम्मद रसुल्ल हम गवाही देते हैं हर शख्स ये कहता है कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं क्या हमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल समझा क्या हम उनके बताए हुए कवानी उन पर अमल पैरा हैं मेरे भाइयों मनमानी जिंदगी पर हम तुले हुए हैं मनमानी जिंदगी नबियों का उसवा देखिए नबी और रसूल उसवा आप देखिए उनका तरीका उनकी सुन्नत देखिए कि उनका मामला अल्लाह से कैसा होता था वो कितन, कितना डरते थे मेरे भाइयों नबी आप पर नबी कितने मेहरबान हैं हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के रसूल हजरत अबू हुरा रावी हैं इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को रिवाद की है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सब नबियों को एक दुआ दी गई जो उन्होंने दुनिया में अल्लाह से मांग ली कबूल हो गई मैंने एक दुआ बाकी रखी जो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अपनी उम्मत की भलाई के लिए अपनी उम्मत की सिफारिश के लिए आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर कितने मेहरबान हैं कितने मेहरबान हैं मेरे भाइयों अपनी उम्मत के लिए अपने खैर के लिए इंसानों की भलाई के लिए आपने जिस वक्त आप अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत आदम के पास लोग जाएंगे हज़रत नूह स्लम के पास लोग जाएंगे तमाम पैगंबरों के तकरीबन जाएंगे जिन के पास अल्लाह तौफीक देगा जाएंगे सब डर के मारे अल्लाह के खौफ से अल्लाह के जलवे से कांप रहे होंगे पैगंबर, वो पैगंबर कांप रहे होंगे और जो लोग जाएंगे उन्हें कहेंगे हमारे बस की बात नहीं है कि हम तुम्हारे हक में रब के सामने सिफारिश कर सकें हमारे बस की बात हजरत आदम सलाम मेरे भाइयों अल्लाह ताला ने अपने हाथ से फूकी रब से कौन से फूक डाली हो गए इंसान बना दिया अल्लाह ने कितना बड़ा मुकाम अल्लाह ने दिया है जब लोग जाएंगे तो मेरे भाइयों क्या कबू लोगों की दुआ दरख्वास्त कबूल करेंगे क्या कहेंगे मेरे बस की बात नहीं नूह के पास जाओ नूह भी कहेंगे मेरे बस की बात नहीं मूसा के पास जाओ फला के पास जाओ लेकिन नबी मोहतरम के पास जब आएंगे तो आप सस्ते में गिर जाएंगे मेरे भाई वो नबी हमारे लिए इतने मेहरबान और हम उनकी बातों पर कितने अमल पैरा हैं मेरे भाइयों वो नबी का मुकाम अल्लाह ने इतना दिया है इतना ऊंचा है कि कोई लम्हा ऐसा नहीं है जो असहदअल मोहम्मद रसुल्ला पूरी दुनिया न सुनती हो मेरे भाइयों ये मुकाम देखिए वो नबी हमारे लिए इतना मेहरबान और हम उस नबी की बातों पर कितना अमल कर रहे हैं गिरेबान पे झांके अगर हम उसकी बातों पर अमल पैरा हो जाए मेरे भाइयों पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बजेगा कोई मुश्रक काफिर नहीं रहेगा क्योंकि उन्होंने एक एक चीज हमें बतला दी कोई काफिर मुशरिक कोई बिदाती नहीं बचेगा अगर हम उनकी बातों पर अमल पैरा हो जाए मेरे भाइयों वो नबी हमारे लिए फिक्रमंद है और यह भी सुन लीजिए कि हर किसी के लिए सिफारिश नहीं करेगा वो जिसे अल्लाह तोफीक देगा अल्लाह की मर्जी से सिफारिश कर पाएंगे मेरे भाइयों अल्लाह जैसे हुक्म देगा क्योंगे इतना सब होने के बावजूद अपनी मर्जी से एक लफ्ज नहीं अदा कर सकता न भी ये अलैहि वसल्लम मेरे भाई ये नुक्ते की बात है एजाज है मर्तबा है मोजात बेसुमार है कुरान सबसे बड़ा मोजा दिया गया मिराज कराई गई बहुत ज्यादा एजाजात से नमाजे गए लेकिन एक लफ्ज भी अपनी मर्जी से नहीं बोल पके अल्लाह की कुदरत अल्लाह के जलवे के सामने कोई भी शख्स मेरे भाइयों अपनी मर्जी से एक लफ्ज नहीं अदा कर सकता किसी की सिफारिश नहीं कर सकता अल्लाह ने किसी को भी इतना पावर नहीं दिया है मंजल्लाजी सिफारिश अगर होगी तो रब की मर्जी से अल्लाह की मर्जी से होगी अपनी मर्जी से नबी मोहतरम भी नहीं कर सकते तो मेरे भाइयों आज ज़रूरत इस बात की है अल्लाह ने हमें मौका दिया है कितने लोग हमसे गुजर गए चले गए अल्लाह ने हमें मौका दिया है मेरे भाइयों, मोटी मोटी बातें हैं दाढ़ी है अभी वज़ू बना रहे थे दाढ़ी का चर्चा हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है हुक्म दहाड़ी बढ़ाओ मुझे तरसवाओ अब यहां ही, हीला बहाना करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि फला साहबी ने यह कहा फला साहबी ने यह कहा इतनी काटो इतनी रखो नबी का हुक्म है दहाड़ी बढ़ाओ मुझे तरसवाओ नबी का हुक्म है मेरे भाइयों नबी का हुक्म है अपनी औरतों को मस्जिद में आने से मत रोको बुखारी की हदीस है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ईदेन के मौके पर ताकीदन हुक्म करते थे कि औरतें ईदगाह में आए अगर जो नमाज नहीं पढ़ सकती तो वो भी एक तरफ रह के हमारी वाजो नसीहत सुने दुआ में शरीक रहें ये नबी ने कहा मेरे भाइयों और हम नबी की बात को झुटलाते हैं नबी हमारे लिए इतना हमारी निजात के लिए इतना फिक्रमंद और हम नबी की बात को हीला बहाना मतएं ताबिलात करें दाहरी मेरे भाइयों मैं तो कहता हूँ ये फितरी चीज है तखलीक से शामिल है कि जब लड़का बालिग होता है तो दाढ़ी ऑटोमेटिक आती है खुद ब खुद आती है और लड़की बालिग होती है तो नहीं आती इसमें अल्लाह का दखल है हम तो तखलीक है खुदाबंदी से बगावत कर रहे हैं दाढ़ी काट कर ना रखकर हुक्म है दाड़ी बढ़ाओ मजूसियों की मुखालफत करो उसके बाद हम दाड़ी अल्लाह के रसूल की मुखालिफत कर वो रसूल जिस कोई लम्हा कोई सेकंड ऐसा नहीं है जो कायनात उस लफ्ज़ को नहीं सुनती हो मेरे भाइयों वो कह रहा है हमें वो मुखात दाड़ी बढ़ाओ कई चीजें मेरे भाइयों हम कितनी सुन्नतों को ठुकरा रहे हैं जो हमें अच्छी लगती हैं वो करते हैं जो हमें अच्छी लगती है वो करते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती वो नहीं करते फिल्म में काफा इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो ये कुरान का हुक्म है अपनी मर्जी इस्लाम में नहीं चलती और इस्लाम मेरे भाइयों बहुत आसान है मुश्किल नहीं कोई दूसरे मजाब को देखो बहुत परेशानियां हैं बहुत दिक्कतें हैं जितनी आसानी इस्लाम में है दूसरे मजहब में नहीं है देखो तो सही मेरे भाइयों लेकिन शैतान हम पर मुसलत है शैतान हमारे ऊपर हावी है इसलिए हमें इस्लाम पे चलना इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो गए हमें इस्लाम हमें शैतान के हटकंडों से बचने के तरीके बताए गए हैं हम वो हटकंडों को अपनाते फार्मूले बताए गए हैं कि सैतान के जो हटकंडे हम कैसे उनसे बच सकें अल्लाह ने हमें बताया है फार्मूला नबी ने बताया है उसके बाद हम वो फार्मूलों को नहीं अपनाते और हम सैतान के रास्ते पर चल रहे हैं वो हमें चला रहा है हम उसकी पैरवी कर रहे हैं न कि नबी की पैरवी से हम दूर भाग रहे हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सही मानों में हमें ला अला मोहम्मद रसोल्ला की अहमियत को समझने की फरमाए और उन्हीं के मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए जब तक इस दुनिया में रखे हालत ईमान पर रखे जब हमारा खात्मा हो तो ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसोल्ला पर अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल रब्लम हमें सारे मुसलमानों को तोहहीद परस बना दे बिदा तो खुराफात से निजात दिला दे इस बिदा तो न... खुराफात ने पूरी दुनिया को भसम करके रख दिया तहसो नहस करके रख दिया है एल अल्लाह रब्बुल रबालमीन हमें सही मानों में तेरे मती फरमादार बना दे वाखिर दावानी अलहमदिल्लाबीन